हेलो यस मैम। गुड गर्ल्स, गुड आफ्टरनून मैम। ओके, तो हमारा कंपोनेंट्स हो गया था। प्रीवियस क्लास में हमने कंपोनेंट्स देख लिए थे फिजिकल फिटनेस के। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट प्रिंसिपल्स। ओके, 1 मिनट गर्ल्स, मैंने मॉडल नंबर 2 के आपको क्वेश्चंस दिए थे कि बेटा सॉल्व करने को। ओके, नो मैम। तो हम कल मैं आपको टेस्ट लूंगी आपका मॉडल नंबर 1 पे। ओके, हमने कंपोनेंट्स देखे थे ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे देखा था क्या क्या आता है। देन नेक्स्ट द स्किल रिलेटेड फिटनेस भी देखा था, कंपोनेंट कौन से आते हैं उसमें। ठीक है, आपको इसमें से पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किल रिलेटेड फिटनेस, तो आपको पता करना है। या फिर पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, तो इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछ सकता है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। तो आपको BMI का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या नॉर्मल BMI पूछ सकते हैं, या ओवरवेट BMI पूछ सकते हैं, कौन सा कौन से रेट में कौन से रेंज में आता है बिटवीन एज। ठीक है, देन ट्रेनिंग प्रिंसिपल नेक्स्ट टॉपिक। वी आर गोइंग टू टेक दिस टॉपिक। पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज थ्रू आउट ऑन वीकली बेसिस मेनी पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ओवरऑल हेल्थ एंड इम्प्रूव वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, रेगुलरली फिटनेस को अडॉप्ट कर रहे हो थ्रू आउट द वीकली बेसिस एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट आपके अब हमारे ऊपर पॉजिटिव का इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए स्कूल्स में कॉलेजेस में स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट किया जाता है कि जहाँ पे बच्चों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, जहाँ पे वो गेम स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स गेम्स है, जो आउटडोर गेम्स है या इंडोर गेम्स है, वो सारे गेम्स खिलाते हैं। इज इट कंपलसरी फॉर ऑल द स्कूल्स, ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड लोकल स्कूल, सभी को कंपलसरी है कि आप
अपने स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स गेम्स बच्चों से करवाना, इट्स कंपलसरी, क्योंकि इससे क्या हो रहा है बच्चे की फिटनेस भी हो रही है और बच्चे अपने आप को समझ पाते हैं, और उनका जो भी इंटरेस्ट है, कोई बच्चों को क्रिकेट का क्रेज है या किसी को फुटबॉल का क्रेज है या कोई लड़की कोई गर्ल्स में अगर कोई क्रेज है तो वो भी वो अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं उस चीज को और आगे बढ़ा सके। ठीक है, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, साथ ही साथ उनके फिटनेस भी हो, उनका फिजिकल फिटनेस हो। आजकल कई सारे स्कूल्स में गर्ल्स मॉर्निंग मेडिटेशन एंड योगा एक्सरसाइज भी कराते हैं, ये कंपलसरी हो गया है, क्योंकि ड्यू टू जो जो अभी जो हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है, ड्यू टू दिस लाइफस्टाइल चेंजिंग पैटर्न, उस वजह से क्या हो रहा है बच्चे भी बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। आजकल की स्टडी क्या हो गई है, सब मोबाइल से हो गई है। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए हर एक चीज पे, हर एक किताबों पे, हर एक कामों पे वो डिपेंडेंट हो गए, या तो मम्मी पे, या तो टीचर्स पे, या तो फ्रेंड्स पे, या तो फैमिली पे। तो क्या हो रहा है, डिपेंडिंग होने की वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है उनकी जो लाइफ होती है वो काफी कम होती है, आने वाले ड्यूरेशन में उनको काफी सारी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, या कोई फिजिकल हेल्थ या कोई डिसेबिलिटी उनको हो जाती है या डिसीजेस हो जाती है, तो उनसे ज्यादा लड़ नहीं पाते हैं, उनसे ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी में कभी हमने सीखा ही नहीं है कि हमको खाना खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। आप कितना भी न्यूट्रिशन लो बेटा, बट विदाउट पॉजिटिव थॉट, विदाउट रेगुलर एक्सरसाइज, वो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट भी काम नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट को भी काम तभी करेंगे जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होंगे, और वो डाइजेस्ट कब होंगे, जब आप फिजिकली एक्टिविटी करेंगे। तो आप फिजिकली एक्टिविटी करेंगे तब आप खुद को फ्रेश फील करोगे, अपनी बॉडी को फ्रेश फील करोगे, अपने आप को फ्रेश फील करोगे। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर फिजिकली फिटनेस। हाउ वेर एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस गोल्स मे नॉट बी अचीव इफ देयर फिजिकली एक्टिविटी प्रोग्राम इज नॉट डिजाइनेड विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं आपके क्लास के ग्रुप में, कोई लड़कियां बहुत अच्छे से फिजिकली फिटनेस कर रही है, कोई लड़कियां नहीं कर पा रही है, कोई लड़कियां कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, कोई लड़कियां नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है ये अपने अपने एक्टिविटी प्रोग्राम से डिफाइन करता है। ठीक है गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूरल पीपल, जो एक स्टडी ने डिफाइन किया है, एक केस पेपर ने डिफाइन किया है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मिडल एंड लोअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू हायर इनकम ग्रुप चिल्ड्रेन। ठीक है, जो लोअर और जो मिडिल क्लास वाले जो स्टूडेंट्स है वो क्यों फ्लेक्सिबल है, क्यों फिट है, क्यों उनके बॉडी में इतना रिस्पॉन्ड है, बताओ बेटा, एनी आइडिया अबाउट दिस? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा, ये बारिश की वॉइस से शायद कम आए। गर्ल्स सभी को मेरी वॉइस आ रही है, आई एम ऑडिबल। यस मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन किया है कि जो रूरल एरिया, जो रूरल जो पुअर बिलोंगिंग जो स्टूडेंट है, इनकम ग्रुप का पर्सन, अच्छा स्टूडेंट है, उसकी हेल्थ ज्यादा फिट है एज कंपेयर टू हायर इनकम ग्रुप चिल्ड्रेन, बताओ ऐसा क्यों है? जो गरीब घर का जो लड़का है वो ज्यादा फिट है, और जो रईस घर का जो लड़का है वो ज्यादा फिट नहीं है, बताओ। मैम, बिकॉज जो नॉर्मल ग्रुप के रहते हैं वो लोग ज्यादा वर्क एंड ऑल करते हैं, तो इस वजह से वो लोग हेल्दी ही रहते हैं। ओके, और कोई? और कोई पुअर बताएगा? लोग है वो लोग, मैम वो जो पुअर लोग है वो लोग बस ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब वो लोग बस हेल्दी फूड्स खाते, मतलब हेल्दी एज इन की चपाती सब्जी वगैरह खाते, वो लोग कुछ जंक फूड्स नहीं खाते, उसकी वजह से भी ज्यादा हेल्दी है। और जो रिच पीपल है वो ज्यादातर जंक फूड्स और बाकी सब यस, चीजें दिस खाते हैं। वन ऑफ द फैक्ट। ओके, एक ये भी हो सकता है, और बताओ बेटा, और बाकी लड़कियां, बाकी गर्ल्स, आपको कोई आइडिया नहीं है? और बिकॉज पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उन्हें अपना काम खुद करना पड़ता है, तो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, ठीक है, पूनम ने भी टेक्स्ट किया है कि
उनके वर्क पे भी डिपेंड रहता है। ओके तो मैंने जो स्टेटमेंट आपको बोला है, आपको लगता है इज इट ट्रू कि पुअर पर्सन के जो स्टूडेंट है वो ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू रिच पर्सन स्टूडेंट? बताओ गर्ल्स, आप लोग मेरे स्टेटमेंट से सहमत हो? हेलो, ओके, चंचल मेरे साथ सहमत है मेरे स्टेटमेंट के साथ। ओके, बाकी रिमेनिंग गर्ल्स? यस मैम। ओके, पायल भी है। आप खुद अपना ओपिनियन बताओ गर्ल्स, आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा तो आप खुद ही बताओ कि जो स्टेटमेंट मैंने कहा है वो सही है या नहीं है, आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताओ। बताओ, सिर्फ दो लड़कियां सहमत है, बाकी रिमेनिंग गर्ल्स? अब जो रिच पर्सन का जो जो चाइल्ड है, अब वो तो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, वो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू सप्लीमेंट्स खा सकता है, जब बोलेंगे तब वो उसको प्रोटीन रिच या कार्बोहाइड्रेट रिच जो भी सप्लीमेंट्स को चाहिए वो रिसीव कर सकता है। फिर भी जो हाई रिच पर्सन के जो जो स्टूडेंट है वो एक्टिव नहीं है। बताओ, बाकी अपूर्वा, दिव्या, ज्योति, आयशा, आयशा का भी थॉट अच्छे हैं, आयशा आप भी बताओ। आई थिंक पुअर पीपल आर लेस फिजिकली एक्टिव। ओके, मैथिली को नहीं लगता ऐसा। नेहा, निकिता, पायल बोलो, तमन्ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ बेटा, ऑब्जर्व किया है आपने, हाँ मैम, वो क्या लगता है आपको? जो रिच पीपल होते हैं उनको मतलब सब कुछ इजीली मिल जाता है उनको, मतलब वो एकदम फिजिकली एक्टिव नहीं होते क्योंकि वो घर के कुछ काम भी नहीं करते, सब कुछ उनका हाथ में ही मिल जाता है इसलिए भी वो एक्टिव नहीं रहते। और तो जो मिडिल क्लास वगैरह होते हैं वो घर के काम भी करते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव होते हैं। और बाकी साहब, तमन्ना, ऐश्वर्या, बाकी द पॉइंट इज दैट कि हम बोलते हैं कि जो जो हायर सोसाइटी है उनके बच्चे फिट नहीं होते, और जो पुअर वाले होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो फिट होते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू उनके उनके साथ में कंपेयर करते हैं। तो ये क्यों है? सबसे पहले, सबसे बड़ा मेजरमेंट, सबसे पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है कि उन लोगों में सबसे पहले जो सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग में वो लोग बिलोंग कर रहे हैं वो सबसे पहले अफेक्ट करता है। सबसे पहले उनको सराउंडिंग में जो चीजें मिल रही है और जो चीजें नहीं मिल रही है वो चीजें उनको अफेक्ट करती है, और वो चीजों से ही उनकी बॉडी, उनका जो सेंस है, उनका जो फिजिकल है वो रिस्पॉन्ड करता है। ओके, स्टार्टिंग से बच्चों को पैम्परिंग किया जाता है, स्टार्टिंग से ही बच्चों को काम करने को छोड़ दिया जाता है, स्टार्टिंग से ही बच्चों को काम नहीं किया करने दिया जाता है, ये कंपैरिजन होता है, ये चेंजेस आते हैं। हाईरी सोसाइटी में बच्चों को बोला जाता है कि बेटा ये दिस इज नॉट योर वर्क, ये करने के लिए घर पे मेड है, घर पे काम करने के लिए बाकी लोग है। वही काम अगर पुअर पीपल के घर में आ रहा है, वही चीज अगर पुअर पीपल को कराना है तो बच्चे लोगों की एज मैटर नहीं करती, उनका सराउंडिंग मैटर नहीं करता, वो बच्चे काम करते हैं। ठीक है, काफी सारी इस पे स्टडी हुई है गर्ल्स, काफी सारे केसेस है ऐसे जहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन आपके अगर आते हैं
सिर्फ ये टॉपिक को लेके नहीं, कोई और भी टॉपिक को लेकर तो आप इस पर सर्च करो, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अरे बाप रे इतने लोग एक्टिव है और इतने लोग एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक ये फैक्टर है सराउंडिंग, सबसे पहले सराउंडिंग ही अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो पर्सन के पास वेल नोन रूम है, सेल्फ रूम है, उसके पास सेल्फ मोबाइल है, सेल्फ लैपटॉप है, सेल्फ चीजें है, सेल्फ जाने के लिए आने के लिए गाड़ी है, तो वो एक्टिविटी तो कट डाउन हो गई। जहाँ वहां पे वो फिजिकली एक्टिव कर सकता था, जहाँ वो फिजिकली वॉक कर सकता, वो चीजें कट डाउन हो गए। यही पुअर जो मिडिल क्लास वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो साइकिलिंग से जा रहा है, या पैदल जा रहा है, या बस से जा रहा है, या फ्रेंड के साथ शेयरिंग में जा रहा है। ठीक है, पैदल वॉकिंग हो रही है, साइकिलिंग से वॉकिंग हो रही है, आते वक्त भी फन करते हुए आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ मिलते हुए आ रहा है, ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। और वही जो हाई रिस्क सोसाइटी का जो पर्सन क्या है, वो अपनी पर्सनल कार में आ रहा है, पर्सनल कार में जा रहा है, किसी से ज्यादा सोशल नहीं हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, वो बाहर में बारिश का मजा नहीं ले पा रहा है, वो कार में जा घर जा रहा है। ठीक है, तो समहाउ देयर इज अ लिमिटेशन। रिच होने और गरीब होने में कहीं सारे फर्क होते हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं हमको हमारे जो रियल हैप्पीनेस है वो भी हम कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए कंपेयर करो, इसलिए मैनेज कंपेयर नहीं, एटलीस्ट इतना होल्ड करो कि हम लोग हमारे लाइफ की हर एक छोटे मोटे चीजों को एंजॉय करें। ठीक है, हर एक छोटे मोटे चीजों में इन्वॉल्व हो सके, हर एक वेदर का एंजॉय कर सके, फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो सके जितना। जितना आप हो सकते हैं सोशल में इन्वॉल्व हो सको। ठीक है, एक पहला पहला फैक्टर ये है, एनवायरनमेंट उनका चेंजेस होने की वजह से उनका बिलोंगिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट फैक्टर इज दैट कि उनको फूड भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। रिच पर्सन को फूड मिल रहा है बट फिजिकली एक्टिव नहीं होने की वजह से वो फूड भी वो ज्यादा उसको अपने एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। वो फूड जाके क्या स्टोर हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो पर्सन है, जो मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, जितना भी लिमिटेड फूड उसको मिल रहा है बट वो वर्कआउट भी कर रहा है, जितना वो खाता भी नहीं उससे कहीं ज्यादा वो काम कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव है, कहीं ना कहीं वो हर एक सराउंडिंग में सेट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो काफी अच्छा है, कभी भी उसको ज्यादा काम करना रहा है, कभी उसे कम काम करना रहा, कभी उसे ज्यादा मेहनत करनी रही, तो वो पहले से ही उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। कभी उसको बहुत ज्यादा कुछ फूड मिल गया खाने के लिए तो वो पूरा फूड खा रहा है। यही अगर हाई रिस्क सोसाइटी वाला जो पर्सन है, उसको अगर 2 दिन हम दाल रोटी खिलाएंगे, तीसरे दिन पिज्जा देंगे, तो वो इतना खुश नहीं होगा जितना मिडिल क्लास का पर्सन खुश होगा। अगर उसको 4 दिन आप दाल चावल खिला रहे हो, चौथे दिन आप उसको पिज्जा दे रहे हो, तो वो इतनी कैपेबिलिटी रखेगा कि वो खुद ही उसको पूरा खत्म कर सके और खुद उसको डाइजेस्ट भी कर सके। ये काफी फर्क होता है गर्ल्स। एक इसमें आपके इसमें ही स्टडीज हुई है माल न्यूट्रिशन की, कि पुअर घर की जो लेडी, जो एक पर्सन ने ऐसी बैठे बैठे सोचा, एक घर पे एक जैसे रिच सोसाइटी में जैसा होता है, एक लेडी थी जो अपने मेड से काम करवा रही थी, मतलब उसके घर पे एक मेड आती थी खाना वाना बनाने के लिए। तो एक दिन वो अपनी लड़की को लेके गई, अपनी छोटे डॉटर को साथ में लेके गई, उनके आंटी की जो भी मैडम की तरह काम करती थी वो। तो मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता रही हूँ कैसे इन्वेंट हुआ। ठीक है, तो वो लोग जब वो उसकी लड़की को उसने देखा कि उसकी लड़की पुअर है, थोड़ी सी सुखड़ी सी है पर ठीक ठाक है, वेल नोन है, उसको कोई भी लिफ्ट बंद है तो वो लिफ्ट से स्टेयर से चल के ऊपर आ जा रही है, मेरे बच्चे के साथ ज्यादा देर तक खेल रही है। और जब उसने अपने बच्चे को देखा तो मेरा बच्चा इतना ओबेस क्यों है, मेरा बच्चा इतना माल नरिश, इतना ये क्यों है, बल्कि जो जो मेड की जो लड़की थी वो भले ही माल नरिश थी बट वो फिजिकली बहुत एक्टिव थी। उसको कोई भी चीज बता दिया, कोई भी चीज करने बता दिया है, कोई भी चीज उसको इतना समझा दिया, तो वो काफी जल्दी उसको ग्रैप कर रही है, काफी जल्दी उसको समझ रही है। और उसने यही चीज नोटिस किया कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटी नहीं है, मेरा बच्चा ओबेस है, कोई चीजें उसको करना करने को बोलो तो उसको 10 बार वो चीज के लिए फोर्स करना पड़ रहा है करने के लिए, अगर लिफ्ट बंद हो जाती है तो स्टेज से आने को उसको 20 से 25 मिनट लगता है, वहीं पे ये लड़की 5 मिनट में ऊपर चढ़ जा रही है। तो उसने जब कोई कंपेरिजन किया, तब उसने वहीं से वो स्टडी किया कि माल नरिशमेंट
ये पुअर पीपल में पाए जाने के बावजूद वो लोग एक्टिव कैसे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग मालनरिस्ट होने की वजह से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीज में फंस जाते हैं, बट उनको वो चीज पता ही नहीं है कि वो लोग मालनरिस्ट है। उनको वो कंसेप्ट ही नहीं पता कि मालनरिस्ट कुछ होता है, कुपोषित कुछ होता है, या इससे आपको अमीनिया हो सकता है, या इससे आपको डिसीज हो सकती है। उनको वो कंसेप्ट ही नहीं पता है, तभी भी वो अच्छे से जी रहे हैं लाइफ को। ठीक है, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट है, उनका फिजिकल टॉक, खुद से जो फिजिकल टॉक करते हैं अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, तो वो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कर रहे हैं कि हाँ, आज हमको खाने मिल गया, आज के लिए थैंक यू, आज हमको ये मिल गया, उसके लिए थैंक यू। वो गॉड से हर एक चीज को जो मिल रहा है उसके लिए पॉजिटिवली वो थैंक यू फुल कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो फिजिकल जो बिलोंगिंग है वो काफी अच्छा है, वो काफी गुड है। उस वजह से क्या हो रहा है, वो जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे थोड़ा अमाउंट पे या ज्यादा अमाउंट पे, उनकी बॉडी में वो अच्छे से रिस्पॉन्ड दे रहा है। वही जहाँ पे सबको सब चीजें मिल रही है, वो वहां पे वो रोते बैठ रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे नया फ्रॉक नहीं मिला, मुझे नए कपड़े नहीं मिले, मुझे नई साइकिल नहीं मिली। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उनका नर्वस सिस्टम, और नर्वस होने की वजह से जो फिजिकली जो कंसेप्ट है उनका, जो बॉडी का जो रिस्पॉन्ड है फूड को लेके, वो नहीं हो पा रहा है। वो फूड को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो फूड में से एनर्जी नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को और नर्वस करके रखा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ से क्रिएट हुआ, फिर काफी सारी स्टडीज होने लगी, काफी सारे डेवलपमेंट आने लगे, काफी सारे चेंजेस आने लगे। आज के इसमें भी गर्ल्स ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं सत्य है, कहीं ना कहीं प्रूव है। आज भी अगर आप कोई कोविड पेशेंट को बोलते हो कि यू आर आपको कोरोना है, या आप फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में हो, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई ओल्ड एज वाला सरवाइव कर रहा है, वही जो यंग पर्सन है वो अपने वो हार जा रहा है, वो अपने जो उसकी जो भी थॉट से ही वो डर जा रहा है, और वही जो पूरा इंसान है वो वहां लड़ रहा है, वो बेफिक्र जी रहा है कि हाँ, मैं तो सरवाइव कर लूंगा, मैं 15 दिन 15 दिन क्या, मैं 16 डेज भी आराम से निकाल लूंगा क्वारंटाइन के। और वही जो यंग पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो काफी ज्यादा डर रहा है, और वो डरने की वजह से क्या हो रहा है, जो नहीं होने वाला है वो भी चीज हो जा रही है उसके साथ में। तो ये हमारे थॉट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जब भी आप जो भी चीज को, किसी भी थॉट को, किसी भी आप अपने फेलियर्स को भी इवन कितने पॉजिटिवली लेते हो, अगर आपने अपने अपने फेलियर्स को भी आपने बहुत नेगेटिवली ले लिया कि यार सच में मैं तो फेल हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको फिर से चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, वो नहीं करेगा पार्टिसिपेट। वही अगर आपकी फ्रेंड कोई और है, वो भी आपके साथ फेल हो रही है, तो वो क्या कर रही है, वो वहां एक्सपीरियंस कर रही है, वो वहां खुद को करेक्ट कर रही है कि मेरी गलती कहाँ हुई थी, मैंने अच्छा मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया था, और ये टॉपिक के क्वेश्चन आंसर ज्यादा आए थे, नेक्स्ट टाइम मैं ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाऊंगी। तो वो क्या कर रही है, सेल्फ एनालाइज कर रही है, सेल्फ को डेवलप कर रही है, रोते हुए नहीं बैठ रही है वो कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब उसका चांस आ रहा है वहां पे वो टॉप कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने उस पहले फेलियर्स को उसने पॉजिटिव ही लिया है। ठीक है, वैसे ही न्यूट्रिशन असेसमेंट में भी वैसा ही सेम चीज होता है। जितना पॉजिटिवली आप फूड को, मेडिसिन को, फिजिकल हेल्थ को, एक्सरसाइज को जितना पॉजिटिवली अडॉप्ट करोगे, जितना पॉजिटिवली इसको अपने लाइफ में उसको अडॉप्ट करोगे, उतना ही आपकी बॉडी और आपका माइंड, आपकी लाइफ, इवन आपकी लाइफ भी पूरी सर्वाइव करती है अच्छे से। ठीक है, समझ में आया गर्ल्स इतना कंसेप्ट? यस हेलो, मैम, यस मैम, यस मैम। आपको अगर आप न्यूट्रिशन में आगे कुछ स्कोप कर रहे हो बेटा, तो आपको बहुत सारी स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, आपको पेपर आर्टिकल सीखने पड़ेंगे, आपको सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे, आपको पीएचडी करनी होगी अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन करना है। तो आपको ये सारे एक्टिविटी के, आप अपनी कुछ फाइंडिंग्स भी कर रहे हो वुमेन के लिए, आपने कोई अच्छी वाली मिली मेडिसिन, बट वो अच्छी मेडिसिन बनाने के लिए आपको प्रीवियस जो भी मेडिसिन निकली है उसकी डिटेल्स आपको पढ़नी ही होंगी। विदाउट उसके बेसिस पे आपको नया इन्वेंशन नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आपको नया लैपटॉप बनाना है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस मॉडल्स को स्टडी करोगे, प्रीवियस मॉडल को स्टडी करने के बाद ही आप नया मॉडल को बिल्डअप करोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक डिसीज से लड़ने के लिए, हर एक
डाइट प्लान बनाने के लिए आपको प्रीवियसली स्टडीज को पढ़ना जरूरी है, इसलिए लोग अब आज भी प्रीवियस डाटा को स्टडी करते हैं। आज भी लोग जो अच्छे से अच्छे डाइटिशियन से या अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके बुक्स निकलती है, उनके थॉट्स, उनके जो व्यूज है, उनके जो इम्पोर्टेंस है, वो चीजों को लोग पढ़ते हैं और अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में उनके जो थॉट्स थे वो सही प्रूफ हुए हैं, इम्प्लीमेंट किया उन्होंने तो उनको रिजल्ट मिला है। दैट्स व्हाई आप भी उस चीज को अगर इम्प्लीमेंट करते हो वही सरकमफेरेंस में, वही चेंजेस में, वही एटमॉस्फेयर में, तो मे बी यू ऑल्सो गिव अ सक्सेस। ठीक है, तो इसलिए काफी बार आपको कई बार ऑथर्स की, कई बार राइटर्स की, कई बार जो डाइटिशियन है, कई बार जो फाइंडर्स है, जो जिसने थेरेपीज निकाली है, जिसने काउंसलिंग थेरेपीज निकाली है, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग कंडीशंस को बता रहे हैं। कोई क्रिटिकल कंडीशन बता रहा है, कोई कोई पर्सनल सेंट्रिक कंडीशन बता रहा है कि ऐसे ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स आते हैं एंड आपको उनसे कैसे डील करना है। हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ यू गो टू एनालाइज, हाउ टू गो टू डायग्नोसिस हर हेल्थ, किस तरीके से आपको उस चीज को फेस करना है, किस तरीके से आपको उस चीज से निकलना है। ठीक है गर्ल्स, इस बार अभी आप कभी भी लाइफ में आगे जाते हो, आपका जो भी एम है, आपको डाइटिशियन करना है या जो भी आपको इंडस्ट्री में जाना है, उसके प्रति आप एकदम एनर्जेटिक रहो। आपको जहाँ पे भी उस चीज से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, जहाँ पे उस चीज से रिलेटेड आपको वेल नोन एक्सपर्ट पर्सन मिल रहा है, जो आपको फ्री में ज्ञान दे रहा है, फ्री में आपको एडवाइस दे रहा है, फ्री में सेमिनार दे रहा है, तो जाके अटेंड करो। ठीक है, आजकल तो सब चीजें आपके हाथ में है, मोबाइल में बस सर्च करो, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो खुद को भी एक्टिव रखो, खुद को भी एनर्जेटिक रखो और खुद को भी इस लायक बनाओ कि आप खुद डिजर्व करते हो उस चीज को। खुद को इतना स्पेशलिस्ट बनाओ, खुद को इतना शार्प करो, खुद को इतना डेवलप करो कि आपको आगे से लोग बोले कि यस यू आर अ गुड डाइटिशियन। नाउ नेक्स्ट, इसमें काफी स्टे दी है, द कोर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स विच विल बी सबकॉन्शियसली डिस्कस्ड इंक्लूडिंग स्पेसिफिसिटी, ओवरलोडेड प्रोग्रेशंस, रिजर्विसिबिलिटी, FITT, इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं या आगे मैं फुल फॉर्म देखेंगे उसका, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। तो पहला हम देखते हैं क्या है, पहला प्रिंसिपल्स स्पेसिफिसिटी, ओनली द बॉडी पार्ट, मसल्स और सिस्टम्स इन्वॉल्व इन अ वर्कआउट will be experiencing training, Americans College of Sports Medical Medicine 2013. तो यही ब्रैकेट में दिया है, मतलब उसने ये चीजें और ये सेंटेंस को फाइंड आउट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ किया उसने, तब जाके ये सेंटेंस उसने बोला है। असल से है वो वर्कआउट करता है experiencing का ट्रेनिंग पे। आप सूर्य नमस्कार भी करते हो, ठीक है, आपने पहले दिन किया, पहले दिन आपने दो या तीन किया है, दूसरे दिन आपने दो या तीन किया, चौथे दिन दो या तीन किया, पांचवे दिन दो, जब पांचवे दिन आप जब कर रहे हो तब आप फील कर रहे हो कि आपको कहाँ मसल स्ट्रेन आ रहा है, कहाँ आपको बॉडी फील कर रही है, कौन से बॉडी पार्ट पेन हो रहा है, बॉडी आ रहा है, फोर्स लग रहा है, तो आप उस चीज को फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहे हो उस चीज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपर बॉडी वेट ट्रेनिंग विल ओनली फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट ऑफ टू मसल्स ग्रुप विच वी आर एंगेज, एग्जाम्पल शोल्डर, आर्म्स एंड बैक मसल्स। ठीक है, आपको कोई अपर बॉडी का ही पार्ट दिया कि आपको सिर्फ हैंड्स को डेली 10 rounds मारने हैं। ठीक है, आपको पहले ऐसा कि जो आपके आर्म और जो शोल्डर्स है, आपको धीरे धीरे वहां पे स्ट्रेन फील होगा और जैसे जैसे वो स्ट्रेन रिलीज हो, हेलो, यस मैम, वॉइस आ रही है? Yes, ma'am.
आप कोई भी एक्टिविटी को अगर पहले करते हो तो 5 दिन या 6 दिन करने के बाद आपको 7वें 8वें दिन आपको बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेन फील होता है, थोड़ा पेन आता है। आप अगर वॉकिंग भी कर रहे हो स्टार्ट, तो पहले दूसरे दिन इतना नहीं लगता, लेकिन तीसरे चौथे दिन से थोड़ा सा आपको पेन शुरू होता है, थोड़ी तकलीफ होने लगती है चौथे 5वें दिन। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपको जो वहाँ पे जो मूवमेंट होने की वजह से आपके मसल पे प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर की वजह से आपके मसल्स मूव करते वक्त ने तीसरे चौथे दिन आपको पेन फील कर रहा है। ठीक है, तो वो पेन आप फिर भी कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करने के बाद जब आपने 5 दिन किया आपको पेन हुआ, 5 दिन के बाद करने के बाद कंटिन्यू, देन 15 डेज आपने फिर से कंटिन्यू किया, देन 15 to 20 डेज के बाद आपको वो पेन दोबारा नहीं होगा। ठीक है, वो पेन आपका निकल गया है धीरे धीरे, वो पेन एक्सरसाइज से शुरू हुआ और वही पेन एक्सरसाइज से ही जाता है। काफी लोगों को ये रॉन्ग कंसेप्ट है कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमको बॉडी में पेन होता है, फिर हम मेडिसिन खाते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर बॉडी पेन होता है, फिर टैबलेट लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट ही गलत है, तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। बॉडी को कुछ चीज एक्सेप्ट करने के लिए, बॉडी को नए एक्सरसाइज, नया फिटनेस या नया एनवायरमेंट में सेट होने के लिए टाइम लगता है। अगर मैं आपको भी बोलूं कि गर्ल्स आपको अपना घर शिफ्ट करना है, आपको मैंने कहीं तो भी नया जगह पे शिफ्ट करने के लिए बोल दिया कि जहाँ पे बहुत ह्यूमिड है या कहीं तो भी बहुत रेनिंग है, आधे दिन गर्ल्स को अलग अलग जगह सर एनवायरमेंट में भेज दिया मैंने, कई लोगों को ऐसे जगहों पे भेजा है जहाँ पे बहुत ह्यूमिड है, कई लोगों को मैंने ऐसे जगह भेज दिया जहाँ पे बहुत रेनी सीजन है, कई लोगों को ऐसी जगह भेज दिया कि जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसे प्लेसेस में मैंने उनको भेज दिया, और बट आपकी बॉडी कैसी है? आपकी बॉडी रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए 6 मंथ बारिश, 6 मंथ ठंडी, 6 मंथ विंटर, 6 मंथ समर। आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, बट मैंने आपको ऐसे प्लेस पे भेज दिया जहाँ पे सिर्फ आप एक ही एटमोसफेयर को देख रहे हो, एक ही सराउंडिंग को देख रहे हो, तो आपकी बॉडी को वहां एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, आपके मूड को वहां सेट होने के लिए टाइम लगेगा, नए प्लेस में जाके काम करने के लिए आपको थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ही आपके बॉडी में भी वही चीज होती है, आपको नए चीजें को अडॉप्ट करने के लिए, नई एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम और थोड़ा पेन दोनों लगता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो जो डाइट दिया था, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी दिया था, जो लड़कियों ने कंची मार के एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 की जगह 2 कर रहे हैं या 2 की जगह 1 कर रहे हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर पेन हो रहा है तो वो एक्सरसाइज से ही पेन रिलीफ होगा आपका। ठीक है, जितना आप वॉकिंग कर रहे हो, आपके पैर में गोले आ गए, लेग्स में तकलीफ हो रही है, तो जितना आप फिर भी वॉक करोगे उतना स्पीडली मत करो, बट कंटिन्यू रखो। बस बोलना यही है, जितना आप पहले दिन जितना तेज भाग रहे थे उतना ही तेज नहीं भागना है आपको, आप धीरे धीरे वॉकिंग करो बट कंटिन्यूशन में ही रखो। तीसरे दिन चौथे दिन तकलीफ हो रही है तो रनिंग मत करो, आप वॉकिंग ही करो। जैसे जैसे वो पेन रिलीफ होगा वैसे वैसे आपका खुद, आप खुद ही फिट खुद को फील करने लगोगे कि ना मेरा जो पेन है वो रिलीफ हो गया और आप अभी वॉकिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया सभी को? बस समझ आया, तो अपर शोल्डर का जो मैं एक्सरसाइज कि आपको आपके हाथ को घुमाना है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपके शोल्डर आर्म होल्स के एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कआउट व्हाट विल प्रोवाइड गोल अचीवमेंट। ठीक है, कई बार ऐसे ऐसे भी गर्ल्स स्पेसिफिक पार्ट के लेग्स बहुत बड़े हैं या फिर थाइस बहुत बड़े हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। गर्ल्स में मोस्टली प्रॉब्लम होती है क्योंकि चेस्ट जो होता है काफी, ब्रेस्ट जो होता है उसका साइज ज्यादा है कम होने की वजह से भी वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो कई सारे फील्ड में, कई सारे बॉडी पार्ट में आप अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हो जहां पे कि आप अपने
आरती, आचल, ऐश्वर्या आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। मैम का लेक्चर नहीं हुआ क्या? चालू था सर अभी तक। अच्छा, अभी खत्म हो गया क्या? नो सर, वो मैम की वॉइस कट हो रही थी। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हेलो। यस मैम। ओके, तो मैं आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज बता रही थी कि कई बार ऐसे एक्सरसाइज को भी अडॉप्ट करते हैं कि जैसे किसी के लेग्स के लिए ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, या मोस्टली वुमेन्स में जो प्रॉब्लम जो होता है, मोस्टली वुमेन्स भी अडॉप्ट करती है उनके चेस्ट का साइज रिड्यूस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, या उनके जो आर्म्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा जो लेडीज होते हैं, जो आंटी लोग होते हैं, उनके जो शोल्डर से जो एक एक जो उनका मास होता है वैसे ही लटकते हुए रहता है, मतलब लूज जैसा रहता है, तो वो ज्यादातर आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कि उनकी जो बॉडी का जो मास उनका फिट रहे। ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, जो डिलीवरी होने के बाद, जो काफी लेडीज के जो जो स्टमक में जो मास होता है वो काफी लूज हो जाता है, तो वहाँ की भी एक्सरसाइज होती है कि जहाँ पे कि उनका मास जो है वहाँ पे वहाँ प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होके वो सेट हो सके। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की भी एक्सरसाइज की जाती है जहाँ पे कि आप स्पेसिफिक पार्ट को प्रॉपर शेप में ला सको, प्रॉपर वहाँ का मास जो बॉडी फैट है वो उसको रिड्यूस कर सको और प्रॉपर उसको शेप दे सको। ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया पहला टेक्निक आपको? पहली समझ में आया पहला प्रिंसिपल? हेलो। यस मैम। Workload that is greater than normal workload. ठीक है, ओवरलोड उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड प्रिंसिपल से इसमें बताया है, जहाँ पे कि आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा डाइट खा रहे हो, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हो, ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट होता इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। ठीक है, डाइट करते हैं साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी जबरदस्ती डाइट करवाते हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया जितना आप इंजॉय करके, जितना आप सेल्फली इन्वॉल्व होकर चीजों को करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, पर आप ज्यादा प्रेशर देके या ओवरलोड लेके कि हाँ मैंने तो अभी दिन में 10 ग्राम मेरे को प्रोटीन लेना है, मैंने तो वो खाया नहीं, मेरे को 10 ग्राम प्रोटीन लेना है, मैंने तो 50 ग्राम वो लेना था, एनर्जी लेना था, मैंने वो नहीं लिया, मुझे तो वो खाना है। आप जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसको आपको बस एक बार प्लान बना लो और एक बार उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। बीच बीच में जहाँ आपको लग रहा है कि अभी जभी जो इसमें लग रहा है कि वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आपको मीठा खाने की इच्छा हुई है, तो कुछ ऐसे एडिटिव्स को यूज करो कि जहाँ पे आपका मीठा खाने की चीजें भी जो 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 मन है आपका जो इच्छा है वो भी पूरी हो और आपका कंप्लीट हो, तो ऐसे फूड्स ऐड करो। Then, overload exercise, जिसमें क्या एक्सर्ट हो रहे हो बहुत ज्यादा काम करने से, अननेसेसरी वर्कआउट करने से, इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव कंपोनेंट एंडोरेंस मसल स्ट्रेंथ मसल एंडोरेंस एंड मस्ट वर्क द बॉडी। इसमें बताया गया है कि जो भी ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बहुत आपने एक दिन में ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आज आपने सुन लिया कि हाँ एक्सरसाइज एंड फिटनेस बहुत जरूरी है, फॉलो किया, फिर पांचवे छठवे दिन आपने छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं करना है आपको। देन जो ड्यूरेशन है, टाइम है एंड इंटेंसिटी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल फिटनेस इम्प्रूवमेंट, अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट्स मेडिसिन 2013, दिस स्टेप्स बाय स्टेप्स इंक्रीज इज ऑफ्टन नोन एज अ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसने ये भी बोला है जो अमेरिकन कॉलेज ने डिफाइन किया है कि फिटनेस आपको किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है, ड्यूरेशन को बढ़ाना है, टाइम इंटरवल्स को बढ़ाना है। ठीक है, आप पहले
पहले आप अगर आप स्किपिंग कर रहे हो, आप रस्सी कूद रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, तो पहले आप 50 कर रहे हो फिर रेस्ट ले रहे हो, 50 आपने 5 दिन तक किया, 50-50 ले लेके आप रेस्ट कर रहे हो, डन। जब आप 5 दिन के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हो, तो तब आपने क्या किया, अपना ड्यूरेशन बढ़ा दिया, काउंट्स बढ़ा दिया, अभी आप क्या कर रहे हो, 100 काउंट्स कर रहे हो, ठीक है, डन, आप रेस्ट ले रहे हो, डन फिर से 100 कर रहे हो, फिर आप रेस्ट कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आप अपना ड्यूरेशन भी बढ़ा रहे हो, अपना टारगेट भी आप लेके जा रहे हो, ठीक है, और अपने इंस्पिरेशन को भी बढ़ा रहे हो कि हाँ अब 100 हो गया है, अब 150 का टारगेट लेना है, अब 150 हो गया है तो आगे का टारगेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फिटनेस के गोल्स को बढ़ा सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। देन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गर्ल्स किसी को कोई डाउट है बेटा? आई होप आज के क्लास, आज का जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझाओ। नेक्स्ट क्लास में मिलते बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।